और फिर जावेद टीवी की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिन्होंने फैशन वर्ल्ड में एक नई डेफिनेशन सेट की है। और फिर भले ही किसी बड़े प्रोजेक्ट में अब तक नजर नहीं आई हो, लेकिन फिर भी अपने अतरंगी कपड़ों और बोल्ड स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर वो लाइमलाइट में रहती हैं। अब अपने एक नए इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने अपने बारे में कई अहम बातें साझा की हैं, जिसमें उन्होंने हर एक बात का जिक्र किया है कि उनके पेरेंट क्या सोचते हैं, उनके पड़ोसी उन्हें किस नजरिए से देखते हैं और उन्हें अपने कपड़े डिजाइन करने का आइडियाज कैसे आते हैं। इंटरव्यू में उर्फी जावेद से पूछा गया क्या वो अटेंशन पाने के लिए इस तरह के कपड़े पहनती हैं। इसके जवाब में बिंदास और बोल्ड उर्फी ने कहा, जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें अटेंशन नहीं चाहिए वो झूठ बोलते हैं। अटेंशन किसे नहीं चाहिए होती है, तो मैं ऐसे और क्यों ना करूं, मुझे फिल्में नहीं मिल रही हैं, लेकिन क्या मैं इस तरह से अपने लिए अच्छा नहीं कर रही हूँ। उर्फी जावेद से जब पूछा गया कि उन्हें अभी भी फिल्में क्यों नहीं मिल रही हैं, इस पर एक्ट्रेस ने कहा, बॉलीवुड मेरे बाप का नहीं है, अगर मैं ऐसे सोचूं कि मुझे काम बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए तो ये काफी गलत होगा। बॉलीवुड में मुझे अभी 5 साल देने की जरूरत है। उर्फी जावेद से ये पूछा गया कि क्या उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर्स को अपनी पिक्चर्स भेजनी शुरू कर दी हैं। इस सवाल पर एक्ट्रेस का जवाब सुनकर आप उनके कॉन्फिडेंस की दाद देंगे। उर्फी ने कहा कि मुझे लगता है कि हर कास्टिंग डायरेक्टर को पता है कि एक उर्फी जावेद भी हैं। सभी जानते हैं कि उर्फी जावेद ज्यादातर सड़कों पर पैपराजी को पोज देते हुए नजर आती हैं। कई लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए भी उनका पीछा करते हैं। इस बात पर बात करते हुए उर्फी ने कहा, वीडियोस कई सारी सड़कों पर ही बनती हैं। उर्फी ने आगे कहा, कई बार तो मुझे बताया भी नहीं जाता कि मेरी वीडियो बन रही है, आपको पहले मेरी परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन यकीन मानिए मैं कभी किसी को सेल्फी लेने के लिए मना नहीं करती। वहीं उर्फी जावेद से जब पूछा गया, जब वे अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरती हैं या रोड पर चलती हैं तो लोग कुछ नहीं कहते, इसके जवाब में उर्फी ने कहा, मेरी बिल्डिंग में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि मैं वहाँ रहती हूँ। मुंबई में ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पता ही नहीं होता कि पड़ोस में अगले घर में कौन रह रहा है। इसी के साथ उर्फी ने बताया कि उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। अपनी कांच से बनी ड्रेस पर उर्फी जावेद ने कहा, बोल्ड की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग होती है। पहले अगर शादी के बाद महिलाएं जीन्स भी पहन लेती थी तो उन्हें बोल्ड कहा जाता था, लेकिन आज वो हॉलीडे पर पिकनिक भी पहनती हैं। तो दोस्तों, आपको उर्फी के इन मजेदार जवाबों के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।